मैं हूँ इस टाइम गुड़गांव में सुशांत स्टेट में, जहाँ पर कंपोस्ट प्लांट का उद्घाटन अभी अभी कर्मयोगी श्री रवि कालरा जी के द्वारा किया गया है। ये कंपोस्ट प्लांट लोगों के बहुत ज़्यादा फायदेमंद में आने वाला है। जो गार्बेज लोगों के घर से गंद निकलता है, चाहे वो ड्राई हो चाहे वेट हो, उसको अनइंस्टॉल करके और 30 दिन तक यहाँ पे रख के कंपोस्ट प्लांट में उसकी खाद बनाई जाएगी, जो खाद आपके खेतों में यूज़ हो सकती है, किसानों के काम आ सकती है, और वो खाद को अगर बेचना चाहें तो आगे के लिए वो सेल भी कर सकते हैं। तो गार्बेज मटेरियल से जो वेस्ट निकलेगा उससे एक अच्छी चीज़ मिलेगी जो वो यूज़ कर सकते हैं, जो पब्लिक हमारी यूज़ कर सकती है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। तो एक्सेस मॉइस्चर जो है वो वहाँ से निकल के जो है वेस्ट निकल जाएगा। ओके, अच्छा फिर ठीक है। अब इसमें हमने माइक्रोब इंट्रोड्यूस करना है, एंजाइम्स, जो एंटायर प्रोसेस इज माइक्रोबियल डीकंपोजिशन। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दर्विनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जी। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन सुशांत लोक ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें जो घर का वेस्ट होता है, स्पेशली जो खाने योग्य जो बच जाता है, उसको यहाँ पर सेग्रीगेट किया जाएगा, फिर उसके बाद खाद में बदला जाएगा। तो इसके लिए मैं आदरणीय जो प्रेसिडेंट साहब हैं श्री यूपीएस ओब्राय साहब, उनको और उनकी समस्त टीम को बधाई देता हूँ, और बड़े गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ कि इस शुभ काम के लिए मुझे भी इन्होंने इनवाइट किया और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और ये समाज के लिए बड़ा ज़रूरी भी है। अगर हम स्पेशली गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के पास गुड़गांव फरीदाबाद रोड के ऊपर बंदवाड़ी गांव है, और मांगर गांव के बीच में एक तो कचरे का पहाड़ बन गया पूरा का पूरा, बड़ी स्टिंकिंग स्मेल आती है। तो एक तरह से आपने प्रशासन को भी एक राइट मैसेज दिया है कि अगर आप सब चाहें तो सब कुछ संभव है। तो जब हम घर लेवल पर वेस्ट को सेग्रीगेट करके और खाद में बदल सकते हैं, तो जो बड़े प्रशासनिक हैं जिनके पास बड़े बड़े बजट हैं, वो क्यों नहीं कर सकते। किसान लोग बेचारे सिंचाई करते हैं खेतों में और वही गंध हमारे अंदर भी जा रहा है, तो उस सब से भी हम बच जाएंगे। जी भी खाद बनेगी उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, और बाजार से जो आप लेते हैं आपको पता नहीं क्या आप ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, तो इसलिए वो खाद अच्छी मिलेगी। तो जो सब्जी हम उसमें उगाएंगे वो अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, जिससे सेहत लोगों की ठीक रहेगी। जितनी अगर हम बात करें यहाँ अगर गार्बेज के हर जगह से अगर इकट्ठा करने की बात करें तो बहुत सारा एक टफ काम है इकट्ठा करने का, कैसे करना? वो हमारा ऑलरेडी हो रहा है, पर अभी तक वो हमारे हाउस कीपिंग के बच्चे हैं जो हर फ्लैट में जाते हैं, दिन में दो बार जाते हैं, अलग अलग बिन्स में कलेक्ट करते हैं। जो फिलहाल तो बाहर जा रहा था, अब ये प्लांट बन गया है, अब यहाँ अपने कंपोस्ट प्लांट में आएगा और अपने यूज होगा। डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जो वेट गार्बेज है उसको हमने अभी कंपोस्ट में परिवर्तन करने का ये किया है यहाँ पर। अभी हम पहले इससे पहले अपने यहाँ फूल पौधों हॉर्टिकल्चर के लिए हम खाद खरीदते थे, जिसकी अभी आवश्यकता नहीं होगी, अभी हम अपने यहाँ पर ही उसको यूज करेंगे। वो जाके पहले डंप कर देते थे, गार्बेज वाले ले जाते, अब हमको तो पता नहीं वो बंदवाड़ी में ले जा रहे हैं या कहाँ ले जा रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, लेकिन अब हम ये श्योर है कि अपने यहाँ पर ही उसको कंपोस्ट में परिवर्तन करेंगे। सर, इससे बहुत बड़ा एक मैसेज आ रहा देश में। नहीं नहीं, सबसे जो बड़ी बात है, हमने इनवाइट किया इसको इनॉग्रेट करने के लिए, उनका दूसरा नाम है कर्मयोगी, तो कर्मयोगी से सीख ये मिलती है कि करके दिखाओ। तो यहाँ पर बहुत मैं तो शुरू से इन्वॉल्व रहा हूँ, बहुत ओपोजिशन था, क्या नहीं होगा, धीरे धीरे
हम लोगों का तो सपना था जो देखा था 3-4 साल पहले, आज वो सच हो गया। क्या संदेश देना चाहिए? ये है कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है वेस्ट मैनेजमेंट, जो ह्यूमन बीइंग का वेस्ट मैनेजमेंट है, जो हम खाते हैं जो करते हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए आप देखिए दिल्ली में कहीं भी चले जाइए चारों तरफ पहाड़ बने हुए हैं। ये जो कंपोस्ट प्लांट जो लगाया है उससे हमारी समस्याओं का पूरा इसमें सॉल्यूशन है। अच्छे तरीके से डिस्पोजल करने का एक बहुत ही अच्छा ये सिस्टम बनाया गया है सुशांत स्टेट के अंदर, जिससे कि साफ सफाई में मदद मिलती है, दूसरा ऑर्गेनिक खाद मिलती है जो कि हम कैस्टेड के अंदर ही अपने पेड़ पौधों को फलों को बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं।